मिथ्या को जरा समझो, जो तीनों काल से अबाधित रहता है वह सत्य है, जो काल के अधीन है वो मिथ्या है। इस सारा संसार, सारा जगत काल के अधीन है। जो कल था वो आज नहीं होता, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो जगत मिथ्या है। क्यों? ये त्रिकाला अबाधित नहीं है, काल से बाधित है। समझ में आ रही ना? तीनों कालों में एक सा कोई रहे, कोई तत्व, उसी को कहते हैं सत्य। जगत तीनों कालों में एक सा न रहा न रहेगा, परिवर्तनशील है, बदलता ही रहेगा यहां सब कुछ। जो बदलता ही नहीं है कभी, वो एक ही सत्य है। जो घड़ी घड़ी बदलती है उसको मिथ्या कहते हैं, या माया। मिथ्या माने ये नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। माया शब्द को समझो, ये अंग्रेजी का शब्द है ना, मेजर, मापना, हिंदी में कहते हैं माप तोल करना। ये मियते शब्द से आया, जिससे माया शब्द हुआ है। माने माया शब्द का अर्थ ही यही है कि जिसको हम माप सकते हैं। और दुनिया में सब कुछ हम माप सकते हैं, इसलिए सब माया है। और क्या माप नहीं सकते? सत्य को, प्रेम को, सुंदरता को, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा। इसको तो माप नहीं सकते। ये आत्मा का लक्षण है, सच्चिदानंद आत्मा का लक्षण है, परमात्मा का लक्षण है। इसको माप नहीं सकते, मगर पृथ्वी में बाकी सब कुछ माप सकते हैं, इसलिए इसको माया कहते हैं। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम्। हे वसुधैव, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम्।